दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैंने अपनी पुरानी मैगजीन्स को देख रहा था कि क्या है, तो यहाँ पे मुझे विज्ञान प्रगति की दिसंबर मंथ 2019 की प्रगति मिली है, रिपोर्ट मैगजीन मिली है। जनवरी फरवरी मार्च की मैं तो आपको पहले ही इसके वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन दिसंबर की नहीं बनाई थी तो सोचा आप लोगों के लिए बना दूँ। विज्ञान प्रगति साइंस रिपोर्टर बेहतरीन मैगज़ीन आती है, जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं या टीचर हैं या कम्युनिकेटर हैं जो साइंस में रुचि रखते हैं उनको ये मैगज़ीन ज़रूर पढ़नी चाहिए। मंथली मैगज़ीन आती है, प्राइस 30 रुपीज़ होता है, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या फिर आप इसको जो है ऑफलाइन भी किसी भी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। बेहतरीन मैगज़ीन है दोस्तों, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो, या फिर एग्ज़ाम तैयारी की नहीं भी कर रहे, अगर आप साइंस के टीचर हैं या फिर कम्युनिकेटर हैं तो बुक आपके लिए, ये मैगज़ीन आपके लिए। इसमें आपको साइंस रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होती हैं, जो नई खोजें होती हैं साइंस में, क्या नया चल रहा है आजकल देश दुनिया में, और इसमें कई सारे जो है क्वेश्चंस होते हैं, क्विज भी आता है हर मंथली, इसमें क्विज आता है तो उस क्विज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज 20 नंबर का वो क्विज होगा, तो बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये लीजिए, पहला क्वेश्चन है कि हंसाने वाली गैस जो लाफिंग गैस होती है उसका केमिकल नाम क्या है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो जो लाफिंग गैस होती है उसका फॉर्मूला होता है N2O। क्या होता है? N2O। इसे नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, तो फॉर्मूला होगा N2O और केमिकल नेम क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। नेक्स्ट देखिए, सामान्य दृष्टि के लिए यानी सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यानी एक हेल्दी पर्सन के लिए जो है लीस्ट डिस्टेंस कितना होता है। तो सबको ही पता होगा एक हेल्दी पर्सन के लिए जो लीस्ट डिस्टेंस होता है, जो मिनिमम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। यानी ह्यूमन आई के लिए निकट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, कमेंट में जाके लिखेंगे अभी के अभी, मैं वेट कर रहा हूँ, कि मानव दृष्टि के लिए अधिकतम दूरी फार्देस्ट डिस्टेंस कितनी होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस तक कितनी देख सकता है ह्यूमन, एक एडल्ट, एक हेल्दी पर्सन, उसका आप मुझे कमेंट करेंगे। मैं आपको जो है आपका वेट कर रहा हूँ कमेंट का। नेक्स्ट देखिए कि सिस्मोग्राफ द्वारा किन तरंगों का अध्ययन किया जाता है। जो सिस्मोग्राफ होता है उसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है, किसका? भूकंप, ये अर्थक्विक होता है उसका अध्ययन किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ में हम भूकंपीय तरंगों का, किसका? भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करते हैं, उसको हम जो है भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, जबकि ज्वारीय ज्वार भाटा से संबंधित है, ठीक है, जबकि हम भूकंपीय तरंगों में किस किसके द्वारा अध्ययन करते हैं? सिस्मोग्राफ के द्वारा। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो, स्टूडेंट हैं तब भी, टीचर हैं तब भी, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है, भूकंप की तीव्रता है, उसको मापने की यूनिट क्या है, किस स्केल में उसे मापा जाता है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे का कौन सा रासायनिक लवण नीला थोता कहलाता है, यानी ब्लू थोता या नीला थोता किसे कहा जाता है? तो यानी कि तांब किसको बोलते हैं? सल्फेट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जो कॉपर सल्फेट होता है, फॉर्मूला होता है CuSO4। क्या? CuSO4, इसको नीला थोता कहा जाता है। इसका जो कलर होता है, नाम से पता चल रहा है कैसा होता होगा, ब्लू कलर का ये होता होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है नीला थोता का? कॉपर सल्फेट CuSO4, और उसका केमिकल नेम क्या होता है? कॉपर सल्फेट। इससे आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागल कुत्ते के काटने पर होने वाला जो रेबीज रोग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पशुधन अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन है, LT में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कि पागल कुत्ते के काटने पर होने वाला रोग रेबीज मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है। यानी जो रेबीज रोग होता है कुत्ते के काटने से, ये मानव शरीर का जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम है उसको इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मिश्र धातु नहीं है, ध्यान रखें नहीं लिखा हुआ है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो एलॉय, इनमें से कौन सा एलॉय नहीं है, ये बताना है हमें। तो जो टंगस्टन है, टंगस्टन एक एलॉय नहीं है, ये एक प्योर मेटल होता है, बाकी पीतल, कांसा और कॉन्स्टेंटन, ये तीनों की तीनों मिश्र धातु होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हमारे सौरमंडल के किन दो ग्रहों के मध्य क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी स्थित होती है। तो हमारे सौरमंडल के
मंगल और बृहस्पति, जो मंगल और बृहस्पति ग्रह हैं उनके मध्य एक क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी, एक लेयर होती है। नेक्स्ट देखिए कि संगमरमर या फिर मार्बल, जिसे मार्बल भी बोलते हैं, का मुख्य रासायनिक घटक क्या होता है। ये आपसे पूछना चाहता है कि यानी कि मार्बल या संगमरमर का फॉर्मूला या नाम क्या होता है। तो देखिए, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, मार्बल बोलते हैं। तो क्या यहाँ पर कोई कैल्शियम कार्बोनेट है? हाँ है। कौन सा है? तो थर्ड ऑप्शन है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला आप मुझे कमेंट करेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, वो क्या है। मैं ध्यान रहे वेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो देखिए, यानी कि वाटर में सोल्यूबल विटामिन कौन सा है? मैंने आपको जब विटामिन वाला चैप्टर कराया था तो विटामिन मैंने आपको बताया था कि दो तरह के होते हैं, एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन। वाटर में विटामिन बी और विटामिन सी वाटर में सोल्यूबल होते हैं, बाकी जो बच गए कौन कौन से, के ई डी ए, ये तीन जो है फैट में सॉल्युबल होते हैं। अब फैट में सॉल्युबल विटामिन को याद करने का एक ट्रिक मैंने आपको बताया था, कीड़ा। क्या? कीड़ा के ई डी ए, कीड़ा, ये सब फैट में सॉल्युबल हैं। और वाटर में सॉल्युबल कौन सा है? बी और सी। तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे हमें पूछा है कि वाटर में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील विटामिन सी है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी जल में घुलनशील है। विटामिन सी की कमी से जो है इसको क्या, कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। आप मुझे विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ए, इन तीनों का केमिकल नाम लिख के कमेंट में बताएंगे, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम मैं आपको, इसकी कमी से क्या होता है वो बता देता हूँ। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, और विटामिन डी की कमी से रैकेट्स हो जाता है बच्चों में, और बड़ों में, एडल्ट में क्या होता है या मुझे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग शांत हत्यारा या फिर साइलेंट किलर कहा जाता है। देखिए, जो शांत हत्यारा या फिर साइलेंट किलर होता है उसे हम बोलते हैं क्या, हाइपरटेंशन को। अगर हम ज़्यादा ही टेंशन लेते हैं तो उसे साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि इससे धीरे धीरे हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो कम होता है, हमारी सेल धीरे धीरे जो है हमारा मेटाबॉलिज्म बिगड़ने लगता है, और हमारा जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है वो डिसऑर्डर होने लगती हैं, और हमें धीरे धीरे इसकी वजह से कुछ टाइम बाद इससे डेथ होने के चांसेस रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। सबको ही पता होगा जो क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण जो प्लांट्स की लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं, इसी कलर के कारण होती हैं क्लोरोफिल के कारण। तो क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल में कौन सा पिगमेंट, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो मैंने आपको हज़ार बार कराया है, जो मैग्नीशियम है, एम जी जो है मैं उसमें पाया जाता है, किसमें, क्लोरोफिल में। एटॉमिक नंबर 12 होता है, ठीक है। सेकंड ग्रुप का मेंबर है, एल्कलाइन अर्थ मेटल में आता है। दो इसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करेंगे कि जो हीमोग्लोबिन है, जो हमारा ब्लड है, ब्लड में कौन सा एलिमेंट मिलता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैग्नीशियम मिलता है, आयरन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, फिर पोटेशियम मिलता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए कि सौर मंडल के किस ग्रह पर माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊँचा निक्स ओलंपिया पर्वत है। तो निक्स ओलंपिया पर्वत हमारा जो सौर मंडल का जो मंगल ग्रह है उस पर जो है निक्स ओलंपिया पर्वत है, जो कि 3 गुना ऊँचा एवरेस्ट से माना जाता है, ठीक है। और आपको बताया एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर के आसपास जो है बताई जाती है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट देखो, अरे अब नहीं, क्या एक छूट गया? अच्छा, 20 क्वेश्चन थे, एक शायद इन्होंने रखा नहीं इसमें प्रिंट, ये जब इन्होंने प्रिंट आउट किया होगा तो भूल गए होंगे। चलिए कोई बात नहीं, एक ड्यू रहेगा मेरे पे, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।